अस्सलाम वालेकुम एनर्जी वर्ल्ड के साथ मैं हूं शकील। और पाकिस्तान ने पहली जीत इस T20 वर्ल्ड कप की अपने नाम करी और बहुत डेस्परेट थी टीम और मुल्क के लोग और मतलब कि हर कोई जो है तरस के रह गया था कि पाकिस्तान टीम एक मैच जीत जाए। और फाइनली आज पाकिस्तान ने माइटी इंग्लैंड को हराया 7 विकेट से और 107 रन का टारगेट पाकिस्तान ने 17.3 ओवर में चेस करा, जो कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को अपना रन रेट जो है काफी मेंटेन करना था इस वाले मैच में। 15 तक ओवर तक अगर ये रन चेस अगर अच्छे तरीके से पाकिस्तान कर लेता तो पाकिस्तान के आगे जाने के आउटसाइड जो एक चांस बना है, एक लूप बना है, वो एक तरीके से पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा हो सकती थी। क्योंकि अभी भी अगर यूएसए जो है वो 10-12 रन के मार्जिन से इंडिया से हारता है और आयरलैंड से भी ऐसे ही 10-12 रन के मार्जिन से हारता है तो पाकिस्तान को आयरलैंड को तकरीबन 40 रन से बीट करना पड़ेगा। ये प्रेडिक्शन ये नेट रन रेट दिखा रहा था तो उसको मेंटेन करने की काफ़ी ज़रूरत थी। लेकिन पाकिस्तान आज थोड़ा सा डरा खेला और बहुत ही जिसे कहते हैं स्लो इनिंग खेली गई मोहम्मद रिजवान की तरफ से। 53 बॉल 53 रन, 100 का स्ट्राइक रेट, मतलब आपके प्लेयर 100 के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा खेल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा पता नहीं क्या लग रहा था कि आज ही फिनिश करना है मोहम्मद रिजवान को। हालांकि पीछे इतने विकेट थे, आज वो चांस ले सकते थे, लेकिन जिस दिन इंडिया के मैच में उन्हें जहां चांस नहीं लेना था वहां पे उन्होंने चांस लिया। बाबर आजम 33 बॉल पे 33 रन, 1 चौका 1 छक्का, उन्होंने भी बिल्कुल 100 के स्ट्राइक रेट से खेला। इसके अलावा साइम अय्यूब फिर फ्लॉप हुए, 12 बॉल 6 रन, और उस्मान ने 1 बॉल पे 2 रन बनाए, फ़खर फिर से फ्लॉप 6 बॉल 4 रन। तो मतलब यही है टीम, और जहां 100 प्रेस क्रॉस हुआ था कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर लग गया था सबको कि आज भी कुछ ऐसा ना हो जाएगा इस टीम से, क्योंकि अब जो है इस पूरी कॉम को हमारी पूरी टीम की बैटिंग लाइनअप के बारे में जो है किसी को कोई भरोसा नहीं रहा। और मैन ऑफ अगर हम बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग तो ज़बरदस्त बॉलिंग करी मोहम्मद आमिर ने, 4 ओवर 13 रन 2 विकेट। मतलब अगर हम एक सिर्फ यूएसए का अगर हम एक सुपर ओवर हटा दें तो उसके अलावा मोहम्मद आमिर ने ब्रिलियंट बॉलिंग की है तीनों मैच में। इंडिया में भी 2 विकेट ली थी, 1 विकेट यूएसए में भी ली थी, और किस तरीके से उन्होंने यूएसए का सेकेंड लास्ट ओवर करा था 6 रन से, वो बहुत ज़बरदस्त था। तो मोहम्मद आमिर ने आज मैन ऑफ द मैच लिया। नसीम शाह 4 ओवर 24-1, हारिस अरफ 4 ओवर 26-2, और शाहीन शाह आफरीदी ने भी 1 विकेट निकाली और 1-2 रन आउट हुए, इमाद वसीम ने रन आउट करे। आज साइम अय्यूब को टीम में खिलाया इफ्तिखार चाचा की जगह पर, जिसकी तो बहुत ज़रूरत थी। लेकिन वाई शदाब खान क्यों खेल रहा है, मतलब शदाब खान को क्यों खिलाया जा रहा है? आगे हो सकता है आपके पास आपको अगर स्पिनर की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको मोहम्मद अबरार को भी चांस देना पड़ेगा, लेकिन वही बैकअप पे प्लेयर्स नहीं है। तो आगे देखते हैं अब क्या होता है। कल इंडिया और यूएसए का मैच है जो कि बहुत पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और खुद इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टीम वो जीतेगी वो सुपर 8 के लिए ग्रुप ए से पहले क्वालिफाई कर जाएगी। तो देखते हैं कल इंडिया किस तरीके से खेलता है यूएसए को। आइदर वन साइडेड, अगर इंडिया ने वन साइडेड मैच मारा तो पाकिस्तान के लिए जो है वो आसानियाँ ज़्यादा होंगी। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। बाकी वर्ल्ड कप की तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा एआरजी वर्ल्ड के साथ।